यूपी डायल 100 की गाड़ियों का एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत एसएसपी ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में डायल 100 की गाड़ियों को रखरखाव सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा उनके चालकों एवं ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। एसएसपी ने कहा कि अगर कहीं कोई घटना घटती है तो अक्सर लोग सबसे पहले 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि 100 नंबर तुरंत पहुंचेगी और पहुंचती भी है। एसएसपी ने यूपी डायल 100 की गाड़ियों को संचालित कर रहे पुलिसकर्मियों से कहा कि वे पीड़ितों के साथ उचित व्यवहार करें और उनकी समस्या को सुनकर देखकर उस पर तत्काल कार्रवाई करें, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, नहीं दिखनी चाहिए किसी टोपी में। चलो शाबाश। पहली बात ये, अपना हुलिया वर्दी बात दुरुस्त करिए। जनता सबसे ज्यादा आपको देख रही है, सबसे ज्यादा आपको देख रही है। ये कैसे घर के अंदर भी तो गाड़ी को आने के प्रोमाइसेस के आसपास किसी बिल्डिंग के थोड़ी देर रेस्ट करने का मन हो रहा है कि थक गए हैं, जब कॉल नहीं आ रही, खाली है, बारी बारी से काफ़ी बार खड़ा रहे करना है, झटकी ले रहे हैं, वो भी समझ में आता है, नहीं पता आप 12 घंटे में। लेकिन ये थोड़ी कि एक ड्राइवर की सीट पर बैठा है, बाकी दोनों पीछे लेटे हुए हैं। आपको बोला ड्राइवर साहब कोने में लगा, थोड़ी देर आराम करेंगे, पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, 10 मिनट आराम करेंगे, उतनी देर के लिए बारी बारी लगा लीजिए। एक आदमी बाहर टहलता रहे, हाँ भाई हम चौकन्ने हैं, एक आदमी रेस्ट कर रहा है। अगली बात है कि भैया अपनी बोल चाल से किसी को मत नाराज करिए। जैसे आप रिश्ते नातेदारी में बोलते हैं, भाई बिरादरी से बोलते हैं, वैसे ही बोलिए। जनता को आप खुफिया समझते हैं, उसकी औकात उसके कपड़े देख करके आप उससे तुम तड़ाक करते हैं, ऐसा मत करिए। उसको भी समझ समझिए कि आप सब इंस्पेक्टर रमेश यादव हैं, जयराम जी हैं, विष्णु प्रताप हैं, आप समझिए, आप डीजीपी, आप पुलिस, आप सरकार हैं उनके लिए। अगर उनके पास और कोई रास्ता होता, आपके पास नहीं आते, वो एसपी के पास चले जाते, थाने के पास चले जाते, आते आपके पास घंटा आते, आपको बुलाते हैं कि आ जाओ इधर। गरीब आदमी का ध्यान रखो, यही मेरी 4-5 बातें मैं सबको बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है, टोपी, टोपी गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। अगर आपका चेहरा सुंदर ठीक नहीं दिख रहा है, बूढ़े सही, बुढ़िया आ गई तो भी ठीक, लेकिन इतना मेंटेन हो सकता है उतना तो मेंटेन करना चाहिए। भाई रमेश तिवारी 48,000, अब बताइए अच्छे अच्छों को ये तनख्वाह नहीं मिलती, उसके बाद भी आप दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के, बर्दी जो है आप खराब कर रहे हैं, गलत बात है। सर लगातार डाले गाड़ियों से चेकिंग करा रही है और निर्देश दिया जा रहा है ड्राइवर को, जितने भी इसको ड्यूटी भी कर रहा है, उसको क्या निर्देश करें? जी लगातार डायल 100 के साथ साथ थाने में जो फील्ड में गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो रोटेशन के क्रम में रोज़ लगभग 10-15 गाड़ियों को बुला करके चेक किया जा रहा है और उनकी रखरखाव की व्यवस्था के बारे में एक सर्कुलर रूप से चेक किया जा रहा है, जिससे कि एक महीने के अंदर हम लगभग सभी गाड़ियों को चेक कर लें और इससे हमारी नागरिक सुविधाओं में सुधार आएगा, उनकी साज सज्जा में सुधार आएगा। जो उसमें ड्यूटी कर रहे हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है जनता के साथ मृदु व्यवहार रखने के लिए और क्विक रिस्पांस करने के लिए।